स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एनसीबीटी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट है जो कि जारी हुआ है 4 अक्टूबर 2022 को, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं, आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप ग्लोबल आईटीआई ऐप पर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अभी सही समय है। यहाँ पर आपको दशहरे की वजह से जो है एक्स्ट्रा 20% फीस में डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो कोर्स आप जैसे ही करोगे क्लिक, उसके नीचे आ जाएगा अप्लाई कूपन का ऑप्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन करते हैं तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल ऑफर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जो है कोड अप्लाई हो जाएगा और जो फीस है वो कम हो जाएगी 20% एक्स्ट्रा। तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर आप फ्री स्टडी मटेरियल कंटेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं आरएन ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई से, जो कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो नीचे दिए गए नंबर पर सुबह 10 से 3 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एनसीबीटी की अपडेट के बारे में जो कि आज है 4 अक्टूबर 2022, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है सीटीएस एडमिशन डेट सेशन 2022 एक्सटेंशन, यानी जो आईटीआई की डेट के एडमिशन डेट थी उसको बढ़ा दिया गया है। पहले आपको पता होगा कि सितंबर में एडमिशन क्लोज हो गया था और ऐसे में काफ़ी बच्चे थे मुझसे पूछ रहे थे सर एडमिशन पोर्टल दोबारा ओपन होगा कि नहीं। मैंने आप लोगों को एश्योर किया था क्योंकि काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की, तो ऐसे में एक दो बार पोर्टल जो है ओपन किया जाता है। तो फिलहाल जो है पोर्टल ओपन कर दिया गया है आईटीआई एडमिशन, आप जहाँ भी आप लेना चाहते हैं एनसीबीटी ने अपने तरफ से एडमिशन डेट बढ़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन आईटीआई एक्सटेंडेड अप टू 30 अक्टूबर 2022, ठीक है। 30 अक्टूबर 2022 तक आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो जब भी अगर कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी तक मतलब एडमिशन नहीं ले पाए थे तो परेशान थे कि डेट निकल गई, तो आप लोगों के लिए एक आखिरी मौका है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है कि शायद डेट बढ़े, और कोई मतलब भी नहीं निकलता। ऐसे क्या होगा, ज़्यादा डेट बढ़ेगी तो सेशन लेट होने का खतरा रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि 30 अक्टूबर तक जिसको भी आईटीआई करना होगा सब लोग अपना फटाफट एडमिशन ले लीजिएगा अपने नज़दीकी कॉलेज, अपने पसंदीदा कॉलेज, ठीक है। और कॉलेज जरूर एक बार आप लोग अच्छे से देख लिया करिए, अफिलेशन क्या है, उसका पहले का रिकॉर्ड कैसा रहा है, और वहाँ से जो बच्चे पास आउट है उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं, अलग अगल बगल से भी जानकारी दे सकते हैं। तो कभी भी कुछ गलत ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना लें जहाँ पर आप बाद में परेशान होने लगते हैं, कॉलेज किसी प्रकार से सहयोग नहीं करता आपकी या कोई जानकारी आपको नहीं देता या बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ पर गलती आपकी भी होती है। आँख बंद करके किसी भी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पर पूरी पढ़ाई करनी है 2 वर्ष तक, आपके करियर का सवाल है। तो अपना सोच समझ कर डिसाइड करके कॉलेज देख कर वहाँ की सब कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपको एडमिशन लेना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मेन अपडेट यही है कि जो एक्सटेंशन है वो एनसीबीटी की तरफ से लेटर जारी किया गया है और पूरे जो है सभी आईटीआईज पर ये चीज़ लागू होने वाली है। तो अब स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डेट में आगे पीछे करता है, लेकिन फाइनल डेट एडमिशन की यही है, तो यही रहेगी एनसीबीटी की तरफ से जितनी भी अफिलेटेड आईटीआईज हैं। थैंक यू।